व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक अगेन इन टुडेज व्लॉग। आज है गाइस, क्या है, 16 फरवरी और आज अलग अनदर डे न्यू जर्नी। तो अभी मैं अपने कैमरा पे गोप्रो माउंट कर रहा था, कैमरा नहीं हेलमेट पे कैमरा माउंट कर रहा था, तो दिखाता हूँ कैसे माउंट कर रहा हूँ। और फिर अभी सिटी की तरफ जाना है, तो आज अपना शायद फर्स्ट मोटो व्लॉग हो जाए। चलो माउंट करते हैं, फिर दिखाता हूँ, क्योंकि यार एक हाथ में यही हो सकता है ना। तो चलो करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं माउंट कर रहा था। तो ये रही मैंने 3M टेप लगा दिया, अभी यही जुगाड़, एमसील का जुगाड़ है नहीं, फिर आगे देखते हैं, अगर इससे जुगाड़ होता है तो इससे कर लेंगे। तो चलो गाइस करते हैं माउंट और फिर देखते हैं होता है कि नहीं। तो ये मैंने यहाँ पे चिपका दिया है, बस दिक्कत पता है क्या, चिपका तो दिया है और ये भी लगा दिया, दिक्कत पता है क्या, उसे उतरे ना, उतर रहा है यार, तगड़ा पूरा वो नहीं है। चलो वो तो इतना उतर जाए वो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये सही सही। अरे यार इसको सही से चिपकाते हैं, देखते हैं। तो गाइस चिपका के देखते हैं, चिपकता है तो ठीक है, वरना नहीं सी देखेंगे। फाइनली गाइस कुछ जुगाड़ कर लिया है, फेविक से चिपकाया है, देखते हैं क्या सफल रहता है नहीं रहता, टेस्टिंग के बाद ही मैं लगाऊंगा वरना नहीं लगाऊंगा। तो चलो मैं माइक टेस्ट कर लेते हैं इसका, कैमरे का। हाँ ये अडेप्टर भी आ चुका था फाइनल, अब इस पे भी टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा कैमरा। तो गाइस चलो हम सिटी की तरफ जा रहे हैं और के ऋतिक इसको भैया और यही छोड़ के चलेंगे। भाई कैसा लग रहा है तेरे को अकेला छोड़ के चलेंगे? बहुत दुख हो रहा है भाई को, बड़ा दुख हो रहा है। चल मैं आगे टाइम पे, ठीक है, चलो कैमरा कर रहे थे, रुक एक मिनट। तो गाइस एक्शन कैमरा का माइक उसके साथ ना लगने के कारण मुझे लगा कि मोटो व्लॉग में साउंड नहीं आएगी, तो मैं पूरे पूरे व्लॉग में कुछ नहीं बोला। मैं कहा चलो सिनेमैटिक ही कैप्चर कर लेते हैं, बट आवाज आ गई। इतने बेकार कैसे हो सकता है यार, मैं कुछ नहीं बोला। मैं हमेशा प्रैक्टिस करता था कि मैं कुछ ना कुछ बोलूँगा, बट कोई ना गाइस थोड़ी सिनेमैटिक्स करो तुम इन्जॉय, और मैंने कुछ बोला है थोड़ी बहुत पिक्चर देखी है तो उसको सुन लो। चलो यार कुछ ना, हो जाता है। एक मिनट हो, सामने देखियो, ये सामने कौन है, और ये पहुंच गए थे मॉडल टाउन। ओ भाई भैया मैं तो उधर मुड़ने वाला था, मैं तो इनके पीछे आ गया यार। लोग है, मैं तो तेरे तुमने कहा मैंने रोक दी। बाइक वाले डोंट स्टॉप मुझे देख रहे, जितनी देर मैं वहां था देख रहे थे ये बाइक वाले अंकल और उनका बेटा। वाह यार, जब भी यार कुछ ऐसी चीज होती है ना तो व्लॉगर्स को ऐसे देखा जाता है, तो कभी कभी यार थोड़ा हो जाता है ऑकवर्ड सिचुएशन से, बट कभी कभी ठीक है यार रिएक्शन। चलो आगे एंजॉय करो, फोटो खिंचवा लो। ओए भैया और कहां है, अरे उनको रास्ता नहीं पता, अरे मतलब शॉर्टकट नहीं पता, देख पीछे हैं।
भाई ये मेरे को तो रेडी वाला पागल लग रहा है। सुन फॉर्च्यूनर पीछे है, फॉर्च्यूनर ओवरटेक करे रेडी को भी लेफ्ट साइड से, सोच के देख, राइट से करना चाहिए, लेफ्ट से कर रही है। मतलब रेडी वाला अपने ही चलाया था, मैं नहीं हटूंगा अपनी जगह से। वाह झुकेगा नहीं। ओए करनाल में ऊपर, ओए करनाल में ऊपर आ गई, या ये दिल्ली वाली ऊपर आई है या पंजाब से आई है, चंडीगढ़ से आई है, चंडीगढ़ से आई है ये। पता मेरे को कैसे पता लगा, पंजाब की गड्डी, चंडीगढ़ की गाड़ियाँ नहीं दिखती इतनी, जितना हरियाणा पंजाब की मिलेगी। नहीं नहीं रैपिडो है, रैपिडो है, हाँ ऑटो रिक्शा वाला है, गाड़ियों वाला कोई नहीं, ऑटो वाला तो बहुत है यहाँ पे ना। ओला ऊबर यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं है ना भाई, भाई यहाँ पे रैपिडो बड़ी मुश्किल चल रहा है। सोच 10-10 के किराए के लोग 50 रुपये क्यों देगा यार, और फिर भाई ऊबर ओला में तो भाई 10 रुपये की जगह यहाँ पे। हाँ करनाल अभी वो आई नहीं ना मेट्रोपोलियन सिटीज में, या NCR रीजन के लायक भी नहीं है ये देखा जाए तो। यहाँ मेट्रो का प्लान था बट लायक नहीं है मेट्रो के ये यार, लोग यहाँ पे मेट्रो ज़्यादा पैदल चलेंगे। और यार यहाँ मेट्रो आनी भी नहीं चाहिए, चंडीगढ़ जैसा रखना चाहिए इसको यार, यहाँ पुल पुल बना देंगे हर जगह, खुली जगह है, मस्त है। हाँ यार कितना अच्छा एंगल आ रहा है भाई साहब, तगड़ा आ रहा है, इतना तगड़ा है इसमें देख के चला सकते हो। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं गाइस, तो चलो अब हम भैया का अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी स्क्रीन्स की, जो हम स्क्रीन्स लेके आए हैं अभी अभी दो स्क्रीन्स अनबॉक्सिंग करते हैं, और अब हम अनबॉक्सिंग इसमें करेंगे। ये अब सेकंड डिस्प्ले कर रहे हैं असेंबल, और ये फर्स्ट हमने यहाँ पे रख दिए, कनेक्ट करके देखते हैं। ये है कुछ फाइनल सेटअप, मुझे तो और नहीं लग रहा यार ये। अब हो चुका, ये है अपना फाइनल सेटअप बना है, ये 3 डिस्प्ले का भैया ने। भैया कैसा है? तो आप ये देख सकते हैं जो हमारे फाइनल सेटअप बना है, यहाँ पे हम अपना कोड वोड करेंगे, नहीं शॉर्ट्स देखेंगे, शॉर्ट देखेंगे, इस पे हम शॉर्ट्स देखेंगे, इस पे हम मूवी देखेंगे, और ये तो वैसे ही है, और इस पे इसी से चल रहा था। नहीं उसके भी ठीक ही रहते हैं, तो ऑलरेडी लैपटॉप है, नहीं वो तो चलाने के लिए ना, हो सकता है। सो गाइस अभी मैं भैया घर आया था, आपको सेटअप दिखाता हूँ फाइनल कैसा आया है। ये देखो गाइस फाइनल सेटअप कुछ ऐसा बन रहा है, इसमें मैं आपको एक यूट्यूब चला दिखाता हूँ, ये नाउ इट इज परफेक्ट, नेक्स्ट लेवल लग रहा है। ओह भाई सो हे गाइस रात हो गया है 12:30 बज चुके हैं, और अभी अभी पढ़ाई करके हटा हूँ, कुछ ज्यादा देर के निकली घंटे के लिए पढ़ा था, बस थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह चल रही थी तो अभी हटा हूँ पढ़ाई करके, और अभी नींद आ रही है, आंखों पे लगी रोएगा यार तुम्हें तो, ये क्या हुआ आंखें देख के लगी रोएगा यार, नींद बहुत आ रही है। तो बस जी बस सोएंगे, कल का व्लॉग भी एडिट करना सोच रहा हूँ, कल डे में एडिट कर लूँगा, कल डे में ही डाल दूंगा, कल सवेरे उठ के पहले व्लॉग एडिट करूँगा, या अभी एडिट करके सोऊंगा देखूंगा, और ऐसे वक्त ही बताएगा। कल मैं वो देख रहा था, कोई मूवी देख रहा था, मैं शायद मूवी देखते देखते सो गया था, पता नहीं क्या हुआ था कल रात, याद नहीं मूवी देख के सोया था, कंप्लीट करके सोया था, याद आ गया। मैं कल देख रहा था बियॉन्ड स्काईलाइन, अच्छी मूवी है, तुम भी एक बार देखना, मतलब अगर तुम्हें एलियंस वाली मूवी में इंटरेस्ट है तो तुम्हारे लिए बेटर है, तो अभी पीसी शट करती है, और चलो अब चलते हैं कपड़े बदलते हैं और फिर सोएंगे। आज का व्लॉग काफ़ी लंबा बना है मेरे ख्याल से, आज का बना है, आज तो यार मोटो व्लॉग भी होगा तो काफ़ी बड़ा ही है व्लॉग, वो तो चलो एडिटिंग के टाइम पता चलेगा, क्योंकि 14 फरवरी का तो बहुत छोटा था, जो लगभग 16 तारीख को आया था, और 16 तारीख का लोग अब 17 को, मतलब अब हम ट्रैक पे आ गए बिल्कुल सीधे सीधे, तो देखते हैं
आगे कैसे हम आगे निकलते हैं फिर से, क्योंकि यार पीछे व्लॉग मैं 3 से 4 दिन आ गया था लेकिन व्लॉग बने नहीं, तो हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा आगे जा रहा था, बैकअप रख रहा था। लेकिन अभी भी जाएंगे, कोई नई ट्रिप आएगी तो आगे करेंगे, अभी चंडीगढ़ भी जाना दोबारा से, देखेंगे क्या बनता है। तो चलो अब सोते हैं, आज के व्लॉग में इतने, अगर तुम्हें व्लॉग अच्छा लगा तो तुम्हें पता है तुम्हें लाइक कमेंट शेयर करना है, बाकी आएंगे और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।